हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल स्टडी अबाउट तिमूर इन्वेजन इन इंडिया। इसके पहले आपने पढ़ रखा है कि जो दिल्ली सल्तनत हुआ, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे किंगडम्स आए, बहुत सारी डायनेस्टी आई। उसमें फर्स्ट आपने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, उसके बाद आपने खिलजी डायनेस्टी पढ़ी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी पढ़ी, और अब आप देखेंगे कि जिस टाइम फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के किंग्स हुआ करते थे, ठीक उसी टाइम तिमूर जो एक बाहर का इन्वेडर्स हुआ करता था, तुर्किश इन्वेडर्स हुआ करता था, उस तुर्किश इन्वेडर ने पूरी तरीके से इंडिया पर अटैक कर दिया। आफ्टर डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद, इसके डेथ होने के बाद, दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से बहुत ही वीक हो गई थी, क्योंकि उसके जो रूलर थे वो इनकॉम्पिटेंट्स थे। इस नाते उस टाइम बहुत सारी किंगडम्स इंडिपेंडेंट हो रही थी। उसी टाइम समरकंद से भारत पर आक्रमण करने के लिए तिमूर आया, जिसका ब्लड रिलेशन था चंगेज खान से। इसका एम हुआ करता था तिमूर का कि ये दिल्ली सल्तनत से बहुत ज़्यादा वेल्थ को प्लंडर करते हुए लूट कर दिल्ली से ले जाना चाह रहा था। इस नाते इसने मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू जैसे क्षेत्रों से में प्लंडर किया, और वहाँ का बहुत सारा वेल्थ वो ले जा करके समरकंद के मस्जिद में खर्च करना चाहता था। इसने दिल्ली को छोड़ने से पहले अपना डिप्टी अपॉइंट किया था खिजर खान को। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी की स्थापना खिजर खान के द्वारा की गई 1440 एडी में, लेकिन इनके इस डायनेस्टी में 4 रूलर हुए, लेकिन उसमें से कोई भी रूलर वर नॉट स्ट्रांग नहीं हुआ, शक्तिशाली नहीं हुआ। सैयद डायनेस्टी के रूलर बहुत वीक होते थे, इस नाते किसी भी किंगडम के सामने सरेंडर कर देते थे। इस नाते भलोल लोदी के समक्ष इनके सम्राट पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके थे। इस नाते भलोल लोदी जो लाहौर के गवर्नर हुआ करते थे, उनके समक्ष सैयद डायनेस्टी ने सरेंडर कर दी थी। नेक्स्ट इज, चूँकि हमने देखा सैयद डायनेस्टी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि उसके जो रूलर थे वो स्ट्रांग नहीं थे, और उसने भलोल लोदी के समक्ष सरेंडर कर दिया था। नेक्स्ट आती है लोदी डायनेस्टी की स्थापना होती है 1451 में। जो लोदी डायनेस्टी है वो पूरी तरीके से उसकी लास्ट फेज हम देखेंगे। ये दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट फेज है, जिसमें बहुत सारे जो डायनेस्टीज हुआ करती थी वो तुर्क हुआ करते थे। भलोल लोदी जो थे वो लोदी डायनेस्टी के संस्थापक हुआ करते थे, जो बहुत ही कैपेबल और सक्सेसफुल हुआ करते थे, अच्छे जनरल्स हुआ करते थे, जिन्होंने मेवाड़ और डोब क्षेत्रों में अपने राज्य को सक्सीड कर लिया था, बढ़ा लिया था। जौनपुर में, ग्वालियर और नॉर्दर्न रीजन के उत्तर प्रदेश रीजन को इन लोगों ने सक्सीड कर लिया था। सिकंदर लोदी, भलोल लोदी के डेथ होने के बाद उसका जो दूसरा बेटा हुआ सिकंदर लोदी, उसने भलोल लोदी की जगह पर शासन करना शुरू किया। 1570 तक इसने शासन किया। इस नाते इसे एक टाइटल दी गई सुल्तान सिकंदर शाह। इसने अपने नाम पर आगरा में एक सिटी बनाई, जिसको इसने रेजिडेंस सिटी को आगरा से दिल्ली के लिए इसने पूरी तरीके से ट्रांसफ़र किया। सॉरी, दिल्ली में जो सक्सेशंस हुआ करता था इसका, उसने अपनी रेजिडेंस को दिल्ली से आगरा के लिए ट्रांसफ़र कर लिया था। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर था, जिसने बहुत सारी हिंदू की टेंपल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। इस नाते इसको इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से भी जाना जाता है। इसने इसकी जो जस्टिस थी वो जस्टिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सम्राट था। नेक्स्ट आती है इब्राहिम लोदी, जो हुआ
वो अपने फादर सिकंदर लोदी के राज्य को सक्सीड किया। ये लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर हुआ जिसने स्ट्रिक्ट और डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से काम किया। इसने बहुत सारे रिवोल्ट को भी फेस किया क्योंकि इसके राज्य में लोग इससे असहमत हुआ करते थे। इसने अपने रिलेटिव्स दौलत खान को पंजाब का गवर्नर जनरल बनने के लिए इनवाइट्स किया और बाद में 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हिस्टोरिकल में देखेंगे कि जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ वो पूरी तरीके से इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में लड़ी गई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया और इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई और लोदी डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। यहाँ पर कुछ आरेंज द रूलर्स है, इन रूलर्स को आपको आरेंज करनी है। ग्यासुद्दीन, बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इनको आपको एक आर्डर में लिखना है कि कौन से रूलर किस किस साल में कितने कितने सालों तक शासन किया। नेक्स्ट है जो दिल्ली सल्तनत हुई, उस दिल्ली सल्तनत कैसे फेल्योर हो गई, डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई, तो इसके बहुत सारे रीज़न हुए। फर्स्ट है कि जो सुल्तान थे वो इनटॉलरेंस करते थे, हिंदू के अगेंस्ट में काम करते थे, इस नाते बहुत सारे फोर्सफुली इल्ट्रीटेड करते थे हिंदू के साथ में, जिससे हिंदू अपने धर्म को कन्वर्ट करते थे। इनके अलावा जो बहुत सारे सुल्तान थे उनके पास उनकी अपनी नोबल आर्मी हुआ करती थी और जो सुल्तान होता था उसके पास बहुत बड़ी आर्मी होती थी, इस नाते उनको मेंटेन कर पाना बहुत समस्या हुआ करते थे, इस नाते इनके राज्य में इल डिसिप्लिन फैल चुका था। तीसरा रीज़न कि जो दिल्ली सल्तनत हुई वो डिक्लाइन करी वो है कि इनके पास कोई डिफिनिट ला सक्सेशंस नहीं हुआ करता था कि उसी के बाद उसको बनना है, वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हुआ करता था। इनके अलावा इनमें बहुत सारे कंक्वेर्ड उस टाइम आया करते थे, इस नाते लंबे समय तक कोई भी डायनेस्टी नहीं चल पाती थी। अब पूरी तरीके से आपका हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट टाइम में कराया जाएगा, तब तक के लिए आप पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।